वेलकम टू आनंद टेक एंड गली मीटर हुआ करोल बाग दिल्ली। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन और पावरफुल नई डिवाइस लेके आया हूँ, तो इसका हम आज आपको अनबॉक्सिंग वीडियो भी बताएंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या हम इससे काम कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर वीडियो तो दिखी गई होगी कि ये क्या चीज है। बहुत लोग इसको शायद यूज भी करते हो, लेकिन जो भाई यूज नहीं करते और अभी नया ये आया है डिवाइस, तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। तो ये है वापस एक बार मार्केट के अंदर KTM बेंच 200, मीन्स इसको कोल्ड बोलते हैं, इसको मतलब इसको जो बोलते हैं ना, KTM 200 167 in 1 1.20 वर्जन है अभी ये, 67 in 1 बोलते हैं और 67 in 3 in 1 भी बोलते हैं बहुत लोग उसको, लेकिन मेन जो इसका नाम है KTM 200 67 in 1। 67 का मतलब होता है 67 इसके अंदर लाइसेंस है, जो कि आपकी अलग अलग गाड़ियों में काम आता है। तो मतलब कि क्या काम करता है मैं आपको पूरा आपको वीडियो में बताऊंगा और इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा। तो 3 in 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेंच मोड, बूट मोड और ओबीडी मोड में करते हैं, इसलिए 3 in 1 बोलते हैं। इसको भी 3 in 1, 67 in 1 भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आइए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बताऊंगा। बहुत सारा स्टॉक है, जितने भी चाहिए उतने मिल जाएंगे और इसके आगे और भी जानकारी देता हूँ। तो ये है इसका अनबॉक्सिंग वीडियो और थोड़ा स्क्रीन पे भी इसकी फोटो लगी है, उतना चीज मिल जाएगा आपको। तो ये इसके अंदर ये एक पावरफुल नई डिवाइस जो कंपनी ने बनाई है, इसके बारे में बताऊंगा। एक ये डिवाइस आएगी, फिर इसका ये 67 in 1 का डोंगल आएगा और फिर इसके साथ इसका जो एडाप्टर लगता है वो आएगा और एक USB केबल है और फिर ये ACM को कनेक्ट करने वाली केबल है, ये पावर चार्ज है और ये 12 वोल्ट OBD और एक CD है। हो सकता है कोई बॉक्स में CD ना निकले, तो टेंशन नहीं लेना है, आप हमें मैसेज करना, हम आपको इंस्टॉलेशन करवा देंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर की लिंक ऑलरेडी है ही मेरे पास, क्योंकि कभी कभी CD नहीं चलती है, खराब हो जाती है या CD ड्राइव खराब रहता है तो फिर काम नहीं होता। तो ये था 67 in 1 अनबॉक्सिंग वीडियो, इसकी स्क्रीन पे भी आपको फोटो दिख रही है। तो अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज बता देता हूँ कि ये क्या क्या काम करेगा। और इसके अंदर ये जो डिवाइस है, कंपनी ने बहुत सारे लोगों की ये डिवाइस खराब हो गई थी, जो सिल्वर रहती, जो अपने काम करने से या अपने गलती से वो डिवाइस खराब हो गई थी, तो उसको अभी कंपनी ने पावरफुल डिवाइस बनाया है और इसके साथ आप क्या क्या काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा KTM 67 in 1 का ये डोंगल और ये इसकी मेन डिवाइस, इसको अपडेट नहीं करना है, चाहे कोई भी वीडियो बनाए, कंपनी भी बोले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको, आपका इसको अपडेट नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रहे। मैं जो बोल रहा हूँ बस सही बोल रहा हूँ, कंपनी भले ही बोले अपडेट होने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ इसको अपडेट नहीं करना, फिर कोई जवाब नहीं देता है, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या है, एक तो मैंने आगे PCM ट्यूनर को भी 67 in 1 वीडियो बनाया था, सेम लाइसेंस है, सेम काम है, तो डिफरेंट क्या है दोनों में, उसका भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, या बनाऊ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कोई देखते नहीं है। तो अब इसके अंदर ये J253 डिवाइस है, स्कैनमेटिक का अच्छा पावरफुल डिवाइस बनाया है। इसके अंदर आप कौन सी कंपनी के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, बहुत टाइम पहले मैंने KTM के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिससे मैंने क्यूमिंस का स्कैनिंग करके दिखाया था इंडिया के अंदर सबसे पहले, ठीक है। तो वो अभी कंपनी ने इसके ऊपर काम करके बना दिया है, लेकिन जो इनलाइन 6 है वो OEM टूल है, वही यूज करें, मेरी एडवाइस है। इसके अंदर आप निशान का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, J2534 है, मतलब ये कंसल्ट 3+ जो सॉफ्टवेयर आता है वो आप यूज कर सकते हो, हमारे पास अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके चार्जेस सबके अलग रहेंगे। MB का जो 10 है उसका आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर के हर एक सॉफ्टवेयर के चार्जेस अलग है, इसके साथ फ्री में नहीं है। वास ऑडिस का जो सॉफ्टवेयर है VW का वो भी हो जाएगा,
क्यूमिंस का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, चैलेंजिंग वाला हमारा जो क्यूमिंस का सॉफ्टवेयर वो भी आपको मिल जाएगा, और एमबी डास केलाइन मल्टीप्लेक्सर, तो ये जो एमबी डास का केलाइन मल्टीप्लेक्सर वाला सॉफ्टवेयर है जो केलाइन को सपोर्ट करता है वो भी मिल जाएगा। और इसके साथ बहुत सारा सॉफ्टवेयर चलेगा जैसे कि महिंद्रा का, टोयोटा का, फोर्ड का, इंशाल्लाह ट्राई कर रहा हूँ मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसके ऊपर चलाने की, लेकिन गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ये खाली J25348 डिवाइस मतलब के कंपनी के जो OEM टूल रहते हैं वो बेस्ट रहते हैं, लेकिन अगर आपको इसके चलाने हैं तो चल सकते हैं, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है आपका 70-80% काम हो जाए या हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज था। और इसके साथ एक एप्लीकेशन आएगी जो आपको मैं इंस्टॉल करके दूंगा, उसमें वर्ल्ड की सारी गाड़ियों के डायग्राम आ गए हैं विद ECM के साथ, फोटो के साथ, उसमें आप बेंच मोड में और GPT केबल जो भी है, एक एप्लीकेशन ही आ गई है, बाकी बहुत सारे वायरिंग डायग्राम है, जिन्होंने हमसे लिए है उनको बोलना मैं आपको फ्री में इंस्टॉल कर दूंगा, उसका कोई अलग चार्जेस नहीं है। बहुत ही अच्छा सा वायरिंग डायग्राम का कंपनी ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है, वो मैं आपको फ्री में इंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि कंपनी मेरे से पैसे नहीं लेती है तो मैं आपसे नहीं लूंगा। उसमें वर्ल्ड की सारी गाड़ी के डायग्राम आ गए, हो सकता है आगे कंपनी और भी अपडेट करे उसके अंदर और भी नए डायग्राम आ जाए। तो एक ये इसका जो नए नए सॉफ्टवेयर चलेंगे OEM, ये इसका एक एडवांटेज है। और काम तो जैसे पहले करता था वैसे ही करता है, लेकिन अभी बहुत एडवांस हो गया है, क्योंकि ज्यादातर डिवाइसें खराब हो जाती थी, कुछ ECM रुक जाते थे, प्रॉब्लम हो जाती थी, वो सब कंपनी ने इसमें से बग्स निकाल दिए है, ठीक है। आगे ECM फ्लेशर और ECM ट्यूनर और इसके बारे में मैं आपको कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारा स्टॉक है, जितने पीस से अवेलेबल है गुड प्राइस में, एकदम एक नंबर गुड प्राइस में अवेलेबल है विथ इंस्टॉलेशन सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो चार्जेस अलग से लगेगा, ठीक है, क्लियर बात। तो जो भाई भी लेना चाहता है, हमारा जो स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पे आपको नंबर शो कर रहा है, तो आप हमसे डायरेक्ट उस नंबर पे बात कर सकते हैं, डिटेल्स में हमारे लिंक भी है, आप वहाँ भी क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और याद रहे हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएंगे, तो हर एक नई नई वीडियो जो नए नए टूल्स आएंगे और नए नए जो हम भी काम करते रहेंगे उसकी आपको मैं वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल जाए, बस आपकी आप लोगों की दुआ की जरूरत है, इंशाल्लाह बहुत ही ट्राई कर रहा हूँ, ये जितना मैंने बोला है उतना तो चलता ही है इस पर, वो तो श्योर है, लेकिन आगे मैं महिंद्रा के ऊपर काम कर रहा हूँ, फोर्ड का हो जाएगा इस पर, ठीक है, टोयोटा का हो जाएगा, होंडा का हो जाएगा, वो सब J2534 है, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर चलते हैं J2534 प्रोटोकॉल से वो सारे सॉफ्टवेयर इस पर चल जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर के प्राइस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। और ये विंडोज 10 जो भाई के पास विंडोज 7 है उस पर ये चलेगा, लेकिन विंडोज 10 में ये बेहतरीन और अच्छा काम करता है, कंपनी ने ये सजेशन हमें दिया है, हम आपको शेयर कर रहे हैं। PCM ट्यूनर भी और जितने भी आगे नई नई डिवाइस आ रही है कंपनी ट्राई कर रही है विंडोज 10 के ऊपर सारे सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करने की, क्योंकि विंडोज 7 में बहुत सारे बग रहते हैं और अपडेट नहीं होती तो वो प्रॉब्लम होती है, तो विंडोज 10 में ये अच्छा काम करेगा, ठीक है। जो भाई भी हमारे से लेगा उसको हम इंस्टॉल करके देंगे, ठीक है। और नई एप्लीकेशन जो मैं बोल रहा हूँ ECM हेल्प की, जिन जिन भाइयों ने मेरे से PCM ट्यूनर या ओल्ड वाले KTM में जो जो भी लिया है आप मेरे से वो लिंक मंगा के आप इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, फ्री में है वो, ठीक है, कोई चार्ज उसके नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार फिर से KTM 200 बोलते इसको, क्या 200 कुछ लोग को समझ में ही नहीं आता क्या बोलने का इसको, KTM 200 67 in 1, ये 67 in 1 बोले तो लाइसेंस है 67, जिसमें बहुत सारी कंपनी ने लाइसेंस एड किया है, तो हो सकता है आगे अपडेट आए, लेकिन आपको डायरेक्ट इसको अपडेट नहीं करना है, अगर कंपनी अपडेट फ्री में डालेगी तो हो सकता है एप्लीकेशन में या कोई अलग से जुगाड़ बना के करे, तो वो मैं बता नहीं सकता हूँ, चाहे चार्जेस ले या फ्री में करे तो मेरे को पता नहीं है, फ्री में करेंगे तो हम फ्री में करके देंगे, चार्जेस रहेगा तो चार्जेस आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी जो इसके अंदर है वो 67 लाइसेंस है और इसमें बहुत सारे नए नए ECM के काम हो रहे हैं, नए बहुत सारे बग्स फिक्स हो गए, अच्छा काम कर रहे हैं, पावरफुल डिवाइस है और ये डिवाइस भी अच्छी बनाई है, प्लास्टिक कवर बना दिया है इसको ऊपर और काफ़ी अच्छा हार्डवेयर भी इसका बना दिया है और वायरिंग भी वो सब अच्छा चेंज किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद रहे हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो बहुत सारी नई नई वीडियो आप तक मिलती रहेंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर और दुआ में खास याद रखें।